हाय, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में सॉल्व करेंगे क्वेश्चन 15। तो इस वीडियो में केवल आपको समझा देता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे यूनिट डिजिट ऑफ द क्यूब रूट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। तो इन नंबर्स के क्यूब रूट जब निकालेंगे तो इनका यूनिट डिजिट क्या होगा, ये कैसे पता करेंगे आप। देखिए, आपको यदि फाइंड करना है कि इसमें इसके क्यूब रूट में मीन्स क्यूब रूट जब निकालेंगे आप 226981, तो इसका जो क्यूब रूट आएगा उसका यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ठीक है। और इधर कुछ नंबर होगा, इधर इसके यूनिट प्लेस पर क्या होगा, ये फाइंड करना है। तो केवल आप देखिए कि इसका यूनिट प्लेस क्या है। यहाँ पे वन है, है ना, ये जो बड़ा नंबर है यहाँ पर वन है यूनिट प्लेस पर। तो ये जो वन है आपको अब चेक करना है कि जीरो से लेकर के नाइन तक के जो डिजिट्स हैं उनके क्यूब में किस में वन आता है। तो जीरो क्यूब करने पर जीरो ही आता है, वन क्यूब करने पर वन आता है, टू क्यूब करने पर एट आता है, थ्री क्यूब करने पर आता है 27। केवल आपको देखना है यूनिट्स प्लेस पर, है ना, ये 7 है यूनिट्स प्लेस पर। आपका 4 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 64, तो यहाँ पे 4 आ रहा है। 5 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 125, क्योंकि 5 आ रहा है यहाँ पर। ठीक वैसे ही यदि आप सॉल्व करते जाएंगे आगे की तरफ, 6 क्यूब यदि निकालेंगे तो मिलेगा आपको 216, यहाँ देखिए 6 आ रहा है। तो 7 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 343, यहाँ 3 आ रहा है। 8 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आपको 512, 2 आ रहा है आपका यूनिट्स प्लेस पर। ठीक वैसे 9 क्यूब करेंगे तो मिलेगा आप 729, जो कि 9 ही आ रहा है। तो 0 क्यूब से लेकर के 9 क्यूब तक देखेंगे कि ये जो 1 है किस में आ रहा है। तो देखिए 1 यहाँ पर आ रहा है, मतलब 1 में ही आ रहा है। तो हमेशा जो है इसका जो क्यूब रूट आएगा उसका जो यूनिट डिजिट होता है क्यूब रूट का, वो होता है हमेशा यही 1, ठीक है। इसके हिसाब से ही पता करेंगे कौन सा होगा। तो जो भी यहाँ पर आएगा यूनिट्स प्लेस पर डिजिट, उसके इधर देखेंगे कि किसके क्यूब में आ रहा है, तो जिसके क्यूब में आएगा वही जो नंबर होगी वही हो जाएगा आपका यूनिट डिजिट, ठीक है। तो यहाँ पर होगा 1। यदि आप इसका निकालना चाहते हैं 13824 का क्यूब रूट, तो यहाँ पर देखिए 4 है, तो आपको चेक करना होगा कि इधर 4 कहाँ है यूनिट्स प्लेस पर। देखिए 4 यहाँ पर है, तो 4 किसके वजह से आया, तो यहाँ 4 क्यूब की वजह से आया। तो ये जो 4 है वही हो जाएगा इसके क्यूब रूट का यूनिट्स प्लेस का डिजिट। तो यूनिट्स प्लेस पर क्या होगा, 4 होगा यहाँ पर। तो ये आप निकालेंगे 4 होगा। फिर वैसे ही 7 यहाँ पर लाना है, देखिए 571787, तो इसका देखिए कि 7 किस में आता है। 7 आपका आया है देखिए यहाँ पर, 7 अब जब यहाँ पे आया है तो ये किसके कारण से आया है, 3 से आया है। देयरफोर 3 हो जाएगा यूनिट्स प्लेस पर जो डिजिट होगा। लाइकवाइज हम लास्ट वन कर लेंगे यहाँ पर 175616। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि यूनिट्स प्लेस पर क्या है, 6 है, देख रहे हैं यहाँ पर 6 आया है, तो 6 की वजह से आ रहा है यहाँ पर। देयरफोर 6 इज एट द यूनिट्स प्लेस, और जो इधर है तो फाइंड करना ही नहीं है हमको, बस फाइंड करना है कि यूनिट्स प्लेस पर क्या आएगा। तो यूनिट्स प्लस के डिजिट को फाइंड करने के लिए क्यूब रूट में आपको ये 0 से 9 क्यूब में देखना पड़ेगा कि किसका डिजिट जो है यूनिट्स प्लस का डिजिट आ रहा है, ठीक है। उसके बाद आप फाइंड कर सकते हैं जैसे बताया मैंने। दैट्स इट, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।